आजकल ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 बड़ी ही धमाल कर रही है। सुपर हिट तो फिल्म हो ही चुकी है, लेकिन उसके कलेक्शन भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में गुरु पूर्णिमा के मौके पर ऋतिक रोशन बिहार पहुंचे आनंद कुमार के घर, वहीं पर उन्हीं के साथ उन्होंने गुरु पूर्णिमा भी मनाई। और अब आज फिर ऋतिक रोशन ने कुछ नया किया है। नया उन्होंने ये किया है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। उस वीडियो में उन्होंने ये बताया है कि वो कैसे एक बिहारी कैरेक्टर को इस तरह से जीवंत किया है कि आज पर्दे पर लोग उसे देखकर एंजॉय कर रहे हैं। एक बिहारी टीचर बनने की जो मेहनत ऋतिक रोशन ने की है वो आप इस क्लिपिंग में देख सकते हैं। ऋतिक यहाँ पे पवन सिंह का गाना लॉलीपॉप लागे लू गाते भी नज़र आ रहे हैं, तो साथ ही साथ बिहारी बोलते नज़र आ रहे हैं। इस क्लिपिंग में आप देख सकेंगे कि ऋतिक रोशन दिन के 2 घंटे सिर्फ बिहारी बोलते थे और अपने फेशियल एक्सप्रेशन भी उसी तरह से रखते थे, और किस तरह से बैठना है, चलना है, बात करनी है, सारे हाव भाव उन्होंने आनंद कुमार के अपनाए थे। और इसके लिए ऋतिक रोशन बकायदा अपने घर पे क्लास लेते थे। अब भाई ऋतिक रोशन ऐसे ही इतने बड़े सुपरस्टार नहीं हैं। उनकी फिल्म काबिल आई थी, उसके ठीक 2.5 साल बाद वो पर्दे पर फिर एक नई फिल्म लेकर आ रहे थे। लोगों को ऋतिक रोशन से एक्सपेक्टेशन भी थी और उस एक्सपेक्टेशन पर ऋतिक रोशन पूरी तरह से खरे उतरे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।